नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से अभिवादन करता हूं जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस देखकर मेरा उत्साह बढ़ाया, उनको सराहा, आप सबका शुक्रिया। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कोहा का ओपेक मॉड्यूल। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि कोहा वर्ल्ड में बेस्ट ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड वाइड, और अपने भारत में ये पब्लिक स्कूल स्पेशल लाइब्रेरीज में आजकल पूर्णतः इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें विभिन्न फीचर्स होने की वजह से इसको आज हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोहा में दो इंटरफेस होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक स्टाफ इंटरफेस और एक पब्लिक इंटरफेस। ओपेक एक पब्लिक इंटरफेस है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये एक स्टाफ इंटरफेस है, दूसरा ये पब्लिक इंटरफेस है जहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी की होल्डिंग्स के बारे में जान सकती है। ओपेक में तीन भाग होते हैं, जैसा कि ये ऊपर पहला हेडर होता है, ये लेफ्ट में जो लिंक्स होते हैं और ये राइट में जो लिंक्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये हेडर में हम किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट का या अपनी यूनिवर्सिटी का किस तरह से अपना यहाँ पर हम लोगो लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने आज, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने डेस्कटॉप पे के ऊपर एक लोगो रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने लोगो एक लिया हुआ, लोगो डॉट पीएनजी फाइल है, जेपीजी भी हो सकता है, ये हमने इसको लिया हुआ है। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से चाहते हैं कॉपी करके अगर हम इसको ले जाना चाहते हैं और माय कंप्यूटर यूजर शेयर अंदर कोहा, कोहा के अंदर ओपेक में एच डॉक्स, ओपेक टीएमपीएल, बूटस्ट्रैप इमेजेस, यहां पर हमको इसको कॉपी करना है। अगर मैं वहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करना चाहूंगा तो आप देखेंगे ये पेस्ट हाईलाइट नहीं होगा। लिनक्स में हम इस तरह इसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें टर्मिनल में जाके कमांड देना होगा, और इसके लिए मैं यहां पर टर्मिनल का यूज करूंगा। हम यहां पर टर्मिनल को ओपन करेंगे, ये देखिए टर्मिनल खुल गया है, और रूट में जाके हमें ये कमांड देना है, इसलिए हम इसको रूट में जाएंगे, अपना पासवर्ड और सूडो सुके उसे, और मैंने यहां पर पासवर्ड दिया है अपना। अब यहां पर मैं कमांड दूंगा जो मैं वहां से कॉपी करना चाहता हूं। कमांड है सीपी स्पेस होम स्पेस रोहिला, मेरा कंप्यूटर का नेम है जो मैंने इंस्टॉल किया है लिनक्स को, उबंटू को तब मैंने दिया था। तो ये आपका जो होगा वो आपको उसको बदलना होगा उस तरीके से। डेस्कटॉप में हम डी को कैपिटल रखते हैं, इस बात का ध्यान रखें, और ये मेरी फाइल नेम लोगो डॉट पीएनजी, इसको मैं जहां पर अंदर इमेजेस में सेव करना है उसके लिए शेयर, उसको पाथ देंगे हम जिस तरह से उसको वहां जाना है, कोहा ओपेक के अंदर एस टी डॉक्स, उसके अंदर ओपेक हाइफन टीएमपीएल जो फोल्डर मैंने आपको पहले दिखाया था, उसके अंदर बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप और फिर उसके अंदर इमेजेस के अंदर हम इसको कॉपी करेंगे, फिर प्लस एंटर। नाउ इट हैज कॉपीड दैट फाइल इन द फोल्डर इमेजेस। अब हम यहां पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे, अगर हम जाते हैं उसमें कंप्यूटर यूजर शेयर अंदर कोहा
वह फोल्डर के अंदर ओपेक, एचटी डॉक्स, ओपेक टीएमपीएल, बूटस्ट्रैप, इमेजेस, इसके अंदर आप देखेंगे ये फाइल आ गई है लोगो डॉट पीएनजी। ये इस तरह से यहां पर कॉपी कर दिया गया है। अब हमारा जो रह गया है वर्क वो है इंटरफेस में जाकर, स्टाफ इंटरफेस में हम पर लॉगिन करेंगे। इसके लिए मैंने पासवर्ड दिया है, यूजर नेम और पासवर्ड दिया है और लॉगिन। अभी आप देख रहे हैं यहां पर हेडर में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी हेडर ब्लैंक है। इसके लिए हमें यहां पर कुछ कमांड्स उसमें जाकर ओपेक हेडर में देना होगा। सबसे पहले इसमें हम क्लिक करें को एडमिनिस्ट्रेशन, को एडमिनिस्ट्रेशन जब ओपन होगा उसके अंदर हम जाएंगे ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस। ग्लोबल सिस्टम इंटरफेसेस के अंदर आपको ये सब मिलेगा, उसके अंदर देखना है हमें ओपेक। क्लिक ऑन द ओपेक, ओपेक में हम क्लिक करेंगे दोस्तों। ओपेक में क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे ओपेक हेडर, क्योंकि हमें हेडर में फाइल डालनी है, क्योंकि हम हेडर के लिए कर रहे हैं। ओपेक हेडर यहां क्लिक करेंगे, क्लिक टू एडिट, तब हम यहां पर वो कमांड देंगे। नाउ हम यहां पर उसको कमांड देंगे, तो कमांड है हमारा आईएमजी एसआरसी इज इक्वल टू कोट्स बंद करेंगे ओपेक टीएमपीएल बूटस्ट्रैप के अंदर इमेजेस और फाइल नेम लोगो डॉट पीएनजी, और इसको फिर हम इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, स्पेस देके फिर आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमाज में हेडर हाइफन इमेजेस और इन्वर्टेड कॉमा बंद, और उसके बाद फिर ये साइन हमने लगा दिया। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव ऑल ओपेक प्रेफरेंसेस में क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे इसको। ये देखिए सेव हो गया है। अब हम आएंगे अपने ओपेक सिस्टम में और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। मैंने लोकल अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाया हुआ, इसलिए मैं लोकल होस्ट और 8080 जो है मैं उसका दे रहा हूं नंबर। और ये आप देखेंगे कोहा ओपेक में ये हेडर आ गया है। हेडर आप बना सकते हैं जेपीजी ओपन इंस्टीट्यूट का कोई भी, जो यहां से यहां तक आ सके। उस तरीके से मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये दिखाया है कि किस तरह से आप हेडर बना सकते हैं। आगे मैं और भी ओपेक के लिए लेफ्ट और राइट के लिए भी वीडियोज बनाऊंगा और आपका सहयोग इस तरह से मिलता रहेगा। इसका मैं आभारी हूँ, जितना मैं ज्ञान सीख पाता हूँ उतना मैं आप सब में बांटने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल YouTube में बहुत इस तरह के यूट्यूबर्स बने हुए यूट्यूबर्स बना रहे हैं, लेकिन मैं भी अपनी एक कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।